हेलो क्लास सेवेंथ, आई होप आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया होगा। आज स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जब दो परिमेय संख्याएं एक ही मानक रूप में व्यक्त की जा सकती हों तो उन्हें तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -10/25, 20/-50। क्या ये दोनों संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं? हाँ, क्योंकि ये दोनों जो हैं इन्हें मानक रूप में सेम, एक ही इन दोनों का मानक रूप सेम हो सकता है, इसलिए ये तुल्य परिमेय संख्याएं। लेट्स चेक, चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये सचमुच है तुल्य परिमेय संख्याएं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 10 2 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50। अब देखिए 2/5, 2/5 मानक रूप में चेंज करेंगे, आप चाहे तो हर से माइनस हटा के ऊपर कर सकते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो -2/5, -2/5 एक ही मानक रूप में ये व्यक्त की जा सकती हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में चेक करना होगा तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। आपको इस एक्सरसाइज में ये भी सीखना है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। जब भी दो परिमेय संख्याओं का तुलना करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों सारी संख्याओं को, जिस भी संख्या में तुलना करना होता है उसके हरों को मानक रूप में बदल देते हैं। इट मीन्स सबसे पहले हर को धनात्मक बनाते हैं यदि ऋणात्मक हो तो, उसके बाद हरों के सेकेंड पॉइंट में हम हरों को बराबर करते हैं, फिर थर्ड पॉइंट में एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को हरों से डिवाइड करके उसके अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तुलना स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपको इस एक्सरसाइज में ये सीखना है, निरपेक्ष मान निकालना। कोई भी परिमेय संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही होता है। सपोज दैट 2/3 है, इसका आप निरपेक्ष मान निकालना चाहते हैं, इसे बस निरपेक्ष मान इसे मॉड लगा देते हैं तो इसका मान जो होता है ये 2/3 होगा। बट अगर इसमें माइनस, ये ऋणात्मक है तो निरपेक्ष मान यदि निकालते हैं तो ये धनात्मक हो जाता है, क्योंकि निरपेक्ष मान चाहे वो धनात्मक परिमेय संख्या का निकालें या ऋणात्मक परिमेय संख्या का निकालें, निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही आता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या 2/5 को तुल्य परिमेय संख्या के रूप में इस प्रकार लिखिए कि उसका अंश क्रमशः हो। पहला क्वेश्चन है -56। पहला क्वेश्चन 2/5 का हरा में क्या बनाना, अंश क्या बनाना है, -56। अब -56 बनाने के लिए अंश को हमें इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है। अब 2 का टेबल इतना तो नहीं पढ़ा जा सकता कि 56 उसमें आ जाए, तो आप क्या करिए कि 2 से 56 को डिवाइड करिए। जब 2 से 56 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 28 आएगा। तो 28 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अंश आ जाएगा -56। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे ही बाकी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, नीचे दी गई परिमेय संख्या को तुल्य परिमेय संख्या के रूप में इस प्रकार लिखिए कि उनका हर समान हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमने थर्ड क्वेश्चन में ज़्यादा यानी कि 4 परिमेय संख्या दी हुई थी उसे हमने पहले किया है। तो इसे इन परिमेय संख्याओं का हर समान करना है। तो हर समान करने के लिए सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेते हैं। तो 5, 20, 40, 26 का एलसीएम क्या होगा, 520। अब इस एलसीएम को हम प्रत्येक हर से डिवाइड करके उसके अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 104 आएगा, तो इसी के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 20 से डिवाइड किए तो 26 आया, तो इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 40 से डिवाइड किए एलसीएम को तो हमारा 13 आया, तो 13 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर 26 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 से 104 में मल्टीप्लाई किए तो 416/520। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 442/520। हर तो हमेशा आपका वही आएगा जो एलसीएम रहेगा। अब अंश आ गए, अंश अलग अलग आ सकते हैं बट हर जो हैं वही आएंगे जो आपका एलसीएम आया हुआ था। तो अब इस तरह से आपका हर समान हो गया। ये रहा आपका हर समान करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुए संख्या रेखा खींचकर दी गई संख्याएं परिमेय संख्या है उस पर निरूपित कीजिए। तो 3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/4, इसे संख्या रेखा पे आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा एक खींचनी है, बीच में आपको 0 लिखना है, उसके बाद 1, 2, 3 आप चाहे जितने नंबर तक लिख सकते हैं। इधर बाएं साइड में आपको माइनस लिखना है, -1, -2, और दाहिने साइड में धनात्मक संख्याओं को लिखना है, और बीच में आपका 0 रहेगा। तो 3/4 है, देखिए इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, इट मीन्स ये 1 से छोटा है। तो इसे 1 से पहले ही कहीं ना कहीं
नहीं होगा। तो इसका हर जो है फोर है, तो हम वन से पहले और जीरो यानी कि जीरो और वन के हिस्से को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फोर पार्ट्स में, वन टू थ्री फोर पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें थ्री फोर्थ चाहिए, तो वन टू थ्री जो थर्ड पार्ट है वो हमारा थ्री फोर्थ है यानी कि थ्री अपान फोर है। अब क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन से संख्या युग्म समान है, समान यानी कि तुल्य हैं या नहीं है। तो तुल्य चेक करने के लिए हमने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था, उसे ये चेक करना है कि वो मानक रूप में है या नहीं है। इसमें से एक ही मानक रूप में रहा तो वो समान है, एक ही मानक रूप में नहीं रहा तो समान नहीं है। तो चलिए देखते हैं, -16/20, 20/-25, तो इसे 4 4 16, 4 5 20, 5 4 20, 5 5 25, -4/5, 4/-5। संख्याएं समान है बट यहाँ हर में है ऋणात्मक और यहाँ अंश में है, तो इसे चेंज कर सकते हैं, माइनस वन से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -4/5। अब देखिए ये दोनों समान है यानी कि एक ही मानक रूप में व्यक्त की गई हैं, तो ये समान हैं। तो ऐसे ही आप बाकी चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या बड़ी, यानी कि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनमें से आपको ये चेक करना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किया, -5/8, -3/4। तो सबसे पहले हमें इसकी तुलना करनी है, तुलना करने के लिए सबसे पहले हरों को बराबर करना पड़ता है। अब हर को बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। अब एलसीएम को इस हर से डिवाइड करेंगे, 8 1 8, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। अब कैलकुलेट करिए, -5 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/8, -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 4 2 8। अब देखिए हर समान हो गए हैं, अब हमें अंश को बस देखना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, उसी से कंपैरिजन से पता चलेगा कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या छोटी है। अब देखिए यहाँ से यह -5 संख्या में तो 6 बड़ी है और 5 छोटा है, बट जैसे ही सिंबल माइनस का लगता है ये जो बड़ी संख्या है वो छोटी हो जाती है और जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाती है, उसका अपोजिट हो जाता है। तो हमारा -5 बड़ा है और -6 छोटा है, तो -5/8 इज़ ग्रेटर देन -3/4। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन कंपैरिजन करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है या कौन सी बड़ी है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में से कौन सी संख्या छोटी है। सेम वही पैटर्न है सॉल्व करने का, सबसे पहले आपको हर को बराबर करना है, फिर एलसीएम लेना है, उसके बाद कंपैरिजन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया हुआ है, 4/-3, -8/7। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। फिर 21 को हम हर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 7 आएगा, 7 से अंश हर में मल्टीप्लाई किए, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिए, कैलकुलेट करेंगे तो 4 7 28, 3 7 21, 8 6 24, 7 3 21। यहाँ देखिए आपका हर इक्वल हो गया, अंश जो है हमने ऊपर यहाँ कर दिया है। मानक रूप में चेंज करने के लिए आप हर का जो माइनस है उसे अंश में ले सकते हैं। अब कंपैरिजन आपको करना है कौन सा अंश बड़ा है कौन सा छोटा। हमने पहले ही बताया था अगर नंबर बड़ा है और उसके पास ऋणात्मक है तो वो छोटा हो जाएगा, तो इट मीन्स -28, -24 से छोटा है, तो -8/7 आपका बड़ा हो जाएगा 4/-3 से। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। सेम पैटर्न वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं, 3/2 है। पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 3/4 में देखा था अंश छोटा था और हर बड़ा था, लेकिन यहाँ देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो यदि अंश बड़ा हो तो हम उसे मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए आपको हर से अंश में डिवाइड करना होगा, 2 1 2, आपका रिमाइंडर जो कोशेंट आता है यानी कि जो भागफल आता है वो पूर्ण संख्या बन जाती है, और जो शेष आता है वो अंश बन जाता है, और जिसे डिवाइड करते हैं वो हर। अब देखिए यहाँ ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में है। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा खींचना, हमने बताया था सबसे पहले एक रेखा खींचिए, बीच में 0 और दाहिने साइड में धनात्मक संख्याओं को लिखना है, बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याओं को। अब ये संख्या 1 और 2 के बीच में, और 1 2 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितना हर दिया हुआ है उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर 2 है आपका, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 पार्ट्स। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वही आपका क्या है, 1 होल 1/2, तो ये 1 और ये हाफ ले लिया आप, तो 3/2 आपका हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। दी गई प्रमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग आर्डर, छोटे से बड़े की तरफ आपको अरेंज करना है। तो चार प्रमेय संख्याएं यहाँ दी हुई हैं, इन्हें सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी वाली लिखनी है। तो छोटा कौन होगा जिसमें ऋणात्मक साइन होगा, कौन सी साइन होगी, यहाँ दो प्रमेय संख्याओं में धनात्मक है और दो प्रमेय संख्या ऋणात्मक है, तो जो छोटी हैं उन्हीं में से कोई ना कोई छोटा होगा जो ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हमें इनके हरों को बराबर करना है। हर को बराबर करने से पहले आपको मानक रूप में बताना है, यानी कि जिसका हर जो है ऋणात्मक है उसका अंश को ऋणात्मक बना देंगे और हर को धनात्मक बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हरों का एलसीएम लेना है। 2, 8, 4, 10 का लस क्या होगा, 40 होगा। अब 40 को प्रोसेस वही है, हरों से डिवाइड करिए और अंश हर में मल्टीप्लाई करिए। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके हर तो समान हो जाएंगे, फिर अंश को देखना है आपका कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। सबसे छोटा आपका क्या है, -70। क्यों? क्योंकि जो जितना बड़ा नंबर होगा ऋणात्मक सिंबल के साथ वो सबसे छोटी होगी। -70 सबसे छोटी है, तो -7/4 ये थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड नंबर पर आपका -7/4 ही सबसे छोटा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका है -60, तो -60 से 3/-2 से आया है, तो ये सेकेंड नंबर पर ये होगा। फिर इसके बाद 1/10 है, फिर इसके बाद 3/8 है, क्योंकि 4/40 क्या है, थर्ड नंबर पे है। तो आपको ऐसे ही सबसे पहले हरों को बराबर करना है, उसके बाद अंश और हर को कैसे अरेंज करना आपको ये सीखना है। इट मींस हर से डिवाइड करना है, जो आपका आएगा उसी से आंसर में मल्टीप्लाई करके हरों को सबसे पहले बराबर करना है। जैसे ही हर बराबर हो जाएगा उसके बाद अंश को देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके बाद अब जैसे आपने ये लिया कि ये सबसे छोटा है, तो ये किस नंबर से आया, कौन से प्रमेय संख्या से इससे आया है, तो सबसे छोटा कौन सा है यही होगा। आप ऐसे ही अरेंज कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रमेय संख्या को घटते क्रम में लिखिए। सेम प्रोसेस ऐसे ही आपको एलसीएम लेना है और हरों को बराबर करना है और फिर कंपेरिजन स्टार्ट करना है। आप इसे करिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए बॉक्सों में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल में उपयुक्त चिन्हों से भरिए। अब उपयुक्त चिन्ह भरने के लिए आपको दो प्रमेय संख्या में तुलना ही करना है। तो सबसे पहले 10 का फर्स्ट दिया -5/7 और 6/13, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा, कौन सा सिंबल लगाना है ये पहचानना है। तो यहाँ देखिए ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लगा सकते हैं -5/7 इज लेस देन 6/13, क्योंकि ऋणात्मक कभी भी धनात्मक से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए, इसमें 10 में कौन सा है, -4/5, -5/6, अब दोनों ही ऋणात्मक है तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई करिए, यानी कि -4 का 6 में मल्टीप्लाई, -5 का -5 में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 5 5 24, अब दोनों के पास माइनस का सिंबल है, तो इनमें से बड़ा कौन है, -24 इज ग्रेटर देन -25, क्योंकि छोटे नंबर के पास अगर ऋणात्मक है और बड़े नंबर के पास ऋणात्मक है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। अब देखिए -4 ये कहाँ से आया, -4/5 से, तो -4/5 इज ग्रेटर देन -5/6। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे ही बाकी करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रश्न संख्या 5 में दी गई प्रमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालिए, यानी कि प्रश्न संख्या 5 में जो भी प्रमेय संख्या दी गई थी उनका निरपेक्ष मान निकालना है। तो 5 का फर्स्ट वाला क्या था, वही 11 का फर्स्ट हो जाएगा। 5 का फर्स्ट था -4/11, 3/11, तो वही 11 का फर्स्ट हो जाएगा। जो 5 का सेकंड क्वेश्चन था वही 11 का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब उसका निरपेक्ष मान फाइंड करते हैं, पहले -4/11 का फाइंड करेंगे, तो ये ऋणात्मक था तो धनात्मक हो जाएगा। फिर 3/11 निरपेक्ष मान फाइंड करेंगे इसका, तो 3/11 था वो 3/11 ही रहेगा। नंबर नहीं चेंज होते हैं, बस जो ऋणात्मक साइन होती है वो धनात्मक साइन में चेंज हो जाती है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 में दी गई प्रमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालिए। प्रश्न संख्या 6 में दी गई प्रमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालिए और दिखाइए कि प्रत्येक संख्या का निरपेक्ष मान या तो उसी के बराबर है या उससे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 की प्रमेय संख्या दी हुई है वही 12 का क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन क्या था, -4/7, 5/-7, वही 12 का फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और जो 6 का सेकंड क्वेश्चन होगा वही 12 का सेकंड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन होगा वही 12 का थर्ड क्वेश्चन, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका निरपेक्ष
एवरेज मान सबसे पहले फाइंड करना है, उसके बाद कंपैरिजन भी करना है। तो आपका देखिए माइनस फोर अपान सेवन और फाइव अपान माइनस सेवन दोनों में मॉड लगा दिए, क्योंकि दोनों का निरपेक्ष मान निकालना है। तो इसका हो जाएगा फोर अपान सेवन, इसका हो जाएगा फाइव अपान सेवन। अब दोनों का हर समान है तो हर समान करने की ज़रूरत है नहीं। अब बस अंश को देखना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो फाइव इज़ ग्रेटर देन फोर, देन फाइव अपान सेवन इज़ ग्रेटर देन फोर अपान सेवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको यही करना है, मॉड लगे हुए हैं और मॉड से बाहर निकाल के यानी कि निरपेक्ष मान फाइंड करके आपको ये पता करना है कौन सा सिंबल उसमें फिल करेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, माइनस फाइव अपान सेवन है और ये सिक्स अपान थर्टीन है, ये धनात्मक ही हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अब देखिए हर दोनों का इक्वल नहीं है, अब हर इक्वल नहीं है तो आपको इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई और इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो थर्टीन का फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, यानी कि 65 इज़ ग्रेटर देन 42, देन माइनस 5 अपान 7 इज़ ग्रेटर देन 6 अपान 13, क्योंकि इसमें कौन सा निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको सत्य और असत्य करना है, तो ये आप खुद से करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दर्शाना है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू दी हुई है माइनस टू अपान थ्री, सेकेंड क्वेश्चन में दी है फाइव अपान माइनस सेवन। तो अलग अलग वैल्यूज दिए तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं माइनस टू अपान थ्री। तो यहाँ मॉड दी हुई है तो उसी में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ माइनस है सबसे पहले, फिर एक्स की वैल्यू माइनस टू अपान थ्री इक्वल, यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस टू अपान थ्री, यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू अपान थ्री इक्वल, ये माइनस टू अपान थ्री और ये मॉड की सिंबल लगी हुई है। अब मॉड से बाहर आप निकालेंगे तो ये टू अपान थ्री और ये ऋणात्मक था तो धनात्मक हो जाएगा। अब दोनों साइड इक्वल है तो ये प्रूव्ड हुआ यानी कि सिद्ध हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है निरपेक्ष मान निकालना, बट अंदर कैलकुलेशन सबसे पहले आपको करना है। तो कैलकुलेशन करना आपको पता है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले करके हर से डिवाइड करके जो आता है उससे अंश में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। फिर कैलकुलेशन करने के बाद आया हमारा माइनस 22 अपन 45, जब इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा 22 अपन 45। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई स्टूडेंट, जितना फास्ट आप कंप्लीट करेंगे उतना फास्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलती जाएगी, इसलिए फास्ट वर्क करके आप